जनरल इलेक्शन 2024 झलमकसी खिज्जी और नसीराबाद के अजला पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के हल्का NA 254 का मुकम्मल सरकारी रिजल्ट उम्मीदवारों के वोटों की तफसील के साथ यहां से कामयाब करार पाए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद हुसैन मकसी इन्होंने हासिल किए हैं 79,304 वोट, जबकि दूसरे नंबर पे आए हैं जमीयत उलमा इस्लाम के निजामुद्दीन लहड़ी, इन्होंने हासिल किए 44,814 वोट। आजाद उम्मीदवार सरदार यार मोहम्मद रिंद हासिल किए 4,540 वोट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर गुलाम फरीद रईसानी ने हासिल किए 3,129 वोट। नेशनल पार्टी की यासमीन बीबी लहड़ी ने हासिल किए 3,090 वोट। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वाहिद बख्श ने हासिल किए 2,919 वोट। जामोट कौमी मूवमेंट के मोहम्मद फाइक ने हासिल किए 2,040 वोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार पीर बख्श जामोट ने हासिल किए 1,716 वोट। इस हलका में इन उम्मीदवारों के अलावा 19 मजीद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद थे, मगर इनमें से कोई भी उम्मीदवार काबिल जिक्र वोट हासिल नहीं कर सका। इस तरह जनरल इलेक्शन 2024 में कौमी असम्बली के हल्का NA 254 से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद हुसैन मकसी कामयाब करार पाए हैं।